हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का खबर ब्लेयर के एक और वीडियो में। दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में खेला जा रहा है, अब वो अपने अंतिम फेज पे पहुंच गया है और 18 तारीख को अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फुटबॉल देखते होंगे और फुटबॉल खेलते भी होंगे, तो फिर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन है, या फिर कोई प्लेयर होगा आपका पर्टिकुलर तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों 18 दिसंबर 2022 का वो दिन है जिस दिन फुटबॉल का एक नया चैंपियन मिल जाएगा। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेले जाने वाले इस मैच पर पूरी दुनिया की निगाहें होगी। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार फ्रांस इतिहास दोहराएगा, वो पिछला वर्ल्ड कप फ्रांस ने ही जीता था, या फिर अर्जेंटीना 36 साल के अपने सूखे को खत्म कर पाएगा। दोनों टीमों के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में अर्जेंटीना को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद से टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अच्छा परफॉर्म करती जा रही है और उनके स्टार खिलाड़ी मेसी भी बिल्कुल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि क्वार्टर फाइनल में उसे नीदरलैंड की चुनौती जरूर मिली। अगर हम दूसरी ओर फ्रांस की बात करें तो अपने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में फ्रांस को ट्यूनिशिया से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद इस टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप में अपना दबदबा बनाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। संडे को जो मैच होने वाला है दोनों के बीच फाइनल, फ्रांस और अर्जेंटीना की टीम जब उतरेगी तो इसके बीच यह 13वां मुकाबला होगा इन दोनों के बीच। इससे पहले दोनों टीम 12 बार आमने सामने आ चुकी है। फुटबॉल इतिहास में फ्रांस ने अर्जेंटीना के खिलाफ सिर्फ 3 बार जीत हासिल की है, जबकि अर्जेंटीना 6 बार जीत का स्वाद चख चुकी है। हालांकि हालिया प्रदर्शन को देखते हुए फ्रांस का पलड़ा ज्यादा भारी है अर्जेंटीना से, और अर्जेंटीना के हर प्लेयर का परफॉर्मेंस फ्रांस के खिलाफ अच्छा ही रहता है, और इसी वजह से संडे को भी जब अर्जेंटीना के प्लेयर उतरेंगे मैदान में तो फ्रांस के खिलाफ अपना रिकॉर्ड अच्छा रखने का कोशिश करेंगे। मोरक्को को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचने वाली फ्रांस अब तक 60 साल के पूरे इतिहास को दोहराना चाहेगा। दरअसल 1958 और 1962 फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीतकर विश्व कप खिताब का बचाव करने वाली ब्राजील इटली के बाद केवल दूसरी टीम है। साल 2018 में फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर खिताब जीता था और टीम एक बार फिर फाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका सामना रविवार को अर्जेंटीना से होगा। अर्जेंटीना की टीम 5वीं बार फाइनल में पहुंची है और 2 बार खिताब भी जीत चुकी है। गौर मतलब है कि मेसी अब ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा करने से बस एक कदम ही दूर है, क्योंकि मेसी का यह सपना और मेसी का शायद ये लास्ट वर्ल्ड कप भी होगा, क्योंकि वो बता ही चुके हैं कि मेरा ये लास्ट वर्ल्ड कप है, शायद उनका लास्ट इंटरनेशनल मैच भी हो सकता है। इस पूरे वर्ल्ड कप में मेसी ना तो सिर्फ अच्छा खेले हैं बल्कि विश्व कप में रिकॉर्ड 25वें मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। मेसी ने पेनल्टी पर गोल दागा और अपने साथी खिलाड़ी अल्वेरेज के 2 गोल में उनकी मदद भी की, उनको पास करके ऐसा पास किया कि उनको ज्यादा भी दिक्कत नहीं हुई गोल करने में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 फाइनल मैच लुसियल स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। भारत में भी फुटबॉल का क्रेज दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और संडे के दिन बहुत सारे लोग अपने टीवी पर चिपके रहेंगे, क्योंकि फुटबॉल का धीरे धीरे क्रेज हर जगह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट के बाद भारत में अब फुटबॉल को ही पसंद किया जा रहा है लोगों को। दोस्तों फिर आप लोगों का फेवरेट टीम कौन सी, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा पसंद है और आप चाहते हैं वो प्लेयर ही ज्यादा गोल मारे, तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।